दोस्तों एक समय था नॉट टू लॉन्ग अगो, मे बी 10 or 15 years ago, जब फिल्म बनानी होती थी प्रोड्यूसर्स को तो सबसे मुश्किल काम होता था फाइनेंस मिलना, बिकॉज फाइनेंस वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। और आज अगर आप देखें तो सबसे इजी हो गया है फाइनेंस अरेंज करना। कोई भी प्रोड्यूसर अगर एक प्रपोजल बनाता है, स्टार्स को साइन कर लेता है या स्टार्स की हामी भी ले लेता है और किसी भी कॉर्पोरेट के पास जाए, जनरली स्पीकिंग अगर स्टार्स ने एग्री किया है तो फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर द आस्किंग। तो क्या इस वजह से प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स इन सब ने मेहनत करना बंद कर दिया है? सम ऑफ आर फिल्म सजेस्ट दैट पीपल आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग गुड फिल्म्स, बट दे वॉन्ट टू मेक फिल्म्स, दे वॉन्ट टू मेक प्रपोजल्स। और आज इसी मुद्दे पर डिस्कशन के लिए हमारे स्टूडियो में है चार महारथी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, मुकेश भट्ट, सुधीर मिश्रा, तिग्मांशु धूलिया एंड मधुर भंडारकर। लेट्स फर्स्ट वेलकम देम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। मुकेश जी, आपसे शुरू करते हैं। ऐसा लगता है, कई फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है कि अब फाइनेंस मिलना इतना आसान हो गया है कि लोग, आई डोंट मीन टू से एवरीबडी, बट बहुत से लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर द आस्किंग। प्रपोजल बनाओ, स्टार्स को साइन करो, कुछ भी फिल्म के नाम पास करो, बिकॉज पैसे तो मिलेंगे। ये कॉर्पोरेट नहीं देगा तो वो कॉर्पोरेट देगा, वो कॉर्पोरेट नहीं देगा तो तीसरा कॉर्पोरेट हाउस देगा, एंड देयरफॉर दैट होल पैशन ऑफ मेकिंग गुड सिनेमा सीम्स टू बी ऑन द डिक्लाइन। सबसे पहले तो आप मुझसे सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कोमल, पहले जब हमने जिंदगी शुरू की इस बिजनेस में, हम लोग फिल्म बनाते थे। आजकल फिल्म बनाना बंद हो गया, आजकल ट्रेडिंग शुरू हो गया। यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स और एक बिजनेस हो गया ट्रेडिंग। फिल्म मेकिंग से कुछ लेना देना नहीं इसका। हमको पैसे कैसे बनाने हैं, उसमें कहानी हो ना हो, कोई लल्लू राम हो कल्लू राम हो, एक सेटअप बनाना है। अगर आप सक्सेसफुल डायरेक्टर हो तो आपको आप प्रोड्यूसर और रातों रात बन जाते हो, क्योंकि डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर आज प्रोड्यूसर बन गया है और वो दूसरे डायरेक्टर को साइन कर रहा है, ये हाईलाइट किया। हर एक ने अपनी अपनी एक बोलते हैं ना, दुकान खोल दी है, बेलपुरी की दुकान खोल दी है, शेवपुरी, बटाटा पूरी, रगड़ा पैटी, सब शुरू हो गए। इट इज बिजार। लोग आजकल फोटो सेट बनाते, फिल्म बनाने बंद कर दी फोटो सेट्स, क्योंकि आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको कुछ लेना देना नहीं, कोई पैशन नाम की चीज तो एग्जिस्ट करती ही नहीं। मधुर जी, आप एग्री करेंगे? नहीं, पूरी बात तो नहीं, कहीं कई चीजों पे मुकेश भट्ट से डेफिनेटली, मेरे ख्याल से इतने कॉर्पोरेट्स आने के बावजूद भी मैं इस बात का अप्रिशिएट हमेशा देता हूं, मैं हमेशा कहता भी हूं पेपर में, चैनल्स पे, कि भट्ट साहब जो है, महेश भट्ट साहब और मुकेश भट्ट साहब, तो ओनली प्रोड्यूसर्स जो इतने कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उनको उस टाइम से अब तक हिला नहीं पाए। एंड उन्होंने खुद की एक ब्रांडिंग की है, उनका खुद का एक ये है, मींस उनकी कॉर्पोरेट फंडिंग की उनको जरूरत नहीं है, वो अपने टाइप से फिल्म बनाते हैं। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन दूसरा एक है कि कॉर्पोरेट्स आने से बहुत से फिल्म मेकर्स को चांस भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, कि पहले अभी बहुत लोगों को ऐसे फिल्म मेकर जिसके पास आइडिया कॉन्सेप्ट है, तो कॉर्पोरेट्स कितनी पिक्चर बनाएगा एक स्टार के साथ, हर पिक्चर तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन हो नहीं सकता, तो यू नीड द सेकेंड रंग ऑफ द फिल्म ऑल्सो। तो वो कॉर्पोरेट जो है एक नए फिल्म मेकर को प्रोत्साहित करती है, उसको इंकरेज करती है, और उनकी एक उनके जो उसमें काटल में वो भी फिल्में बनती है जो नए फिल्म मेकर चाहते हैं, एक ऑफबीट सिनेमा चाहता है, वो पहले नहीं था, वो अब ट्रेंड शुरू हुआ है। नहीं, तिग्मांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल सही है कि कॉर्पोरेट के आने के बाद नई किस्म की फिल्में बनने लगी है, ऑल्सो बिकॉज ऑडियंस हमारी ऐसी फिल्मों को अप्रिशिएट करने लगी है। बट इसका ये तो मतलब नहीं है कि क्योंकि पैसा बहुत इजीली अवेलेबल हो आप मेहनत करना छोड़ दें। प्रोजेक्ट ग्रीन लाइट कैसे होते हैं? क्योंकि पैसा अवेलेबल है इसलिए बन जाती है ऐसी फिल्में। कहानी का कोई पता नहीं, स्क्रीन प्ले का कोई पता नहीं, एक्टिंग कहां की कहां जा रही है, क्लाइमैक्स क्या है, वन डजंट रियली अंडरस्टैंड, एंड दिल मतलब दिमाग काम नहीं करता। पहले भी हिट बनती थी, फ्लॉप बनती थी, ऐसा नहीं है, बट आजकल जब फिल्में देखते हैं, कुछ फिल्मों को देखकर ऐसे लगता है कि किसी ने भी मतलब 2% भी दिमाग लगाया है या नहीं लगाया है। तो हिमांशु जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए कि क्वालिटी ऑफ फिल्म्स इस वक्त 2012 का अगर आप एग्जांपल लें, बहुत अच्छी फिल्में आई, मतलब वो जो कम बजट की फिल्में थी, और बहुत अच्छा साल रहा, ये साल भी अच्छा ही जाएगा, बहुत अच्छा रहा।
80s 90s का दौर था जब एक्चुअली जो आप कह रहे हैं वो होता था कि प्रोजेक्ट्स बनते थे कि आपने बड़े स्टार को ले लिया फिर पिक्चर बनाने का, तो दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, पिक्चर बनाना सेकेंडरी हो जाता था, आपका सेटअप बन जाता। अब वो कम है मुझे लगता है क्योंकि कॉम्पिटिशन, देखिए मेरी पहली पिक्चर आई थी 2003 में और आज एक नए मेरे सामने ही एक नई जनरेशन खड़ी है फिल्ममेकर्स की, मुझको इनके साथ कंपीट करना पड़ रहा है, तो मैं तो आई विल बी ऑलवेज ऑन माय टोज। देयर आर फिल्ममेकर्स जिनकी 5, 6, 7, 8 फिल्में नहीं चली है लेकिन उन्हें भी फाइनेंस मिल रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट देम गेटिंग फाइनेंस, आई एम सेइंग इस फाइनेंस का दुरुपयोग हो रहा है। सुधीर जी देखिए, जैसे टिशू कह रहा है प्रपोजल मेकर्स हमेशा थे, कभी कभी नहीं थे, अब भी हैं। फाइनेंसर होता था तब, आप तो जानते हैं, और हुंडी साइन करते थे। देयर वर ऑलवेज ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिल्म मेकर्स, तब भी महेश भट्ट थे, आज भी महेश भट्ट हैं, तब भी ऋषिदा थे, तब भी डकैत या सलीम जावेद की फिल्में होती थी जो पूरी स्क्रिप्ट इनकी होती थी। और आज भी ऐसा है कि कुछ फिल्म मेकर्स कंसेंशियस है। देखिए इस इंडस्ट्री में तरह तरह के लोग हैं, तो अगर आज फायदा क्या है, मैं आपको बताऊं कि मैं आया था यहां पे 182 में एज ए 22-year-old बॉय जी, और मैंने मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में इतना अच्छा वक्त नहीं देखा जो आज चल रहा है। आज जो चल रहा है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एग्जीबिशन सेक्टर खुला है, थिएट्रिकल स्पेस अवेलेबल हो गई है, करेक्ट, उसके साथ तो उसकी वजह से कई फिल्में रिलीज हो जाती हैं जो मुमकिन नहीं था एक जमाने में रिलीज होना जिनका। उसके साथ साथ अटेंडेंट प्रॉब्लम्स भी हैं कि कुछ लोगों का एक थोड़ा सा शुरू में कॉर्पोरेट्स की केयरलेसनेस थी, वो भी एंटर कर रहे थे, उन्होंने अंधाधुंध पैसा दिया, उससे कभी कभी तकलीफ ये हुई है कि एक फिल्म का जो बजट है वो ज्यादातर एक स्टार के पास जाता है और फिल्म मेकिंग में कम जाता है। तो उस तरह की एक प्रपोजल मेकिंग टाइप फिल्म मेकिंग है, बट आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय लॉट ऑफ यंगर एक्टर्स लाइक से रणबीर कपूर, जो कि इस तरह से फिल्में नहीं कर रहा है। एक्चुअली फर्क क्या है उस जमाने की फिल्मों में और आज की? आज स्क्रिप्टों पे इनफैक्ट थोड़ा सा ध्यान ज्यादा है। पहले के जमाने में इंडिविजुअल फाइनेंसियर्स हुआ करते थे एंड दे यूज़ टू डिसाइड इस फिल्म को फंड करना है या नहीं करना है, घाटा या नफा जो भी होता था उनका होता था। आजकल पब्लिक मनी हैज कम इनटू द डोमेन ऑफ फिल्म मेकिंग और कॉर्पोरेट्स आर फ्रिटरिंग अवे, वेस्टिंग अ लॉट ऑफ पब्लिक मनी। दैट इज व्हाट आई कोमा जी, जो पैसा आजकल हो गया बजट जितना हो उतना मार्केटिंग, ये एक्चुअली बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है जो पूरे बजट में आता है। जिसके मतलब जिसके महारथी हमारे सामने बैठे हैं exactly. और इनका मॉड्यूल मुझे लगता है ये बेस्ट मॉड्यूल है, इनका मॉड्यूल तो बहुत ही कमाल है, बेस्ट है ये। और हमको बोलने की जरूरत नहीं, इनके इनके पूरे जो इनके जो फेरिस्त है पिक्चरों की वो उस बात का सबूत है। पहले सर चक्कर ये था, एक पर्सनल टच था पूरी फिल्म मेकिंग में, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको याद होगा, पिक्चर आप अनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटर फलाने जो आके घर में पैसा दे जाते थे, तो आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को बाय नेम, उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों की शादी में एक ऐसा एक विश्वास था, ये नहीं चली अगले में सेटल कर लेंगे, वो चीजें गायब हो गई हैं। और उस जो 4-5-6 लोगों को भर दिया है, कम से कम 5-600 लोग, ये जो मार्केटिंग और हेड और कौन कौन से हेड है, लेकिन अभी क्या है, हाँ वो मार्केटिंग है, काम नहीं है, मार्केट के एंड टाइटल्स बढ़ाते हैं बस। मैं तो कई बार कहता हूँ वही 3 मिनट आ जाते हैं, मार्केटिंग हेल्प्स ओनली द मार्केटर्स, आई थिंक। अच्छा, यू मार्केटिंग समटाइम्स आई थिंक हेल्प्स ओनली बिकॉज जैसे कि पीपल से आई जस्ट जोक अबाउट द जुहू होर्डिंग, वो सिर्फ यही दिखाने के लिए कि भाई मैं फिल्म बना रहा हूँ। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज इन दिस एरिया, देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज इन दिस एरिया व्हिच आई थिंक स्लोली पीपल विल रियलाइज। लेकिन कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि इतने कॉर्पोरेट्स आए, फिल्में बन रही है, मल्टीप्लेक्स है, यू नीड मूवीज, आपको फिल्म बनानी पड़ेगी। हर वीक तो एक शाहरुख खान सलमान खान की फिल्म आ नहीं सकती है, ठीक है ना? तो आपको फिल्म बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक ये कि अलग अलग बहुत मुश्किल होता है, एक जमाने जब गोविंद हलानी जी फिल्म बनाते थे, श्याम जी बनाते थे, उस वक्त पे आपको भी पता होगा कि इनको मैटनी शो मिलता था सवेरे, कि मैटनी शो दे दिया, दो एक शो दे दिया, जमीनी में एक माइनर में, इस तरह की पिक्चर छोटे छोटे याद होता था सिनेमा हॉल्स में और उनकी पिक्चर को पता नहीं होता था। लेकिन आज आप उनके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आज एक छोटी फिल्म 500 थिएटर में रिलीज हो सकती है, छोटी सी फिल्म, एक अच्छे फिल्म मेकर की फिल्म। आज पान सिंह तोमर को वो क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट मिलता है। उस जमाने में 84 में जाने भी रिलीज हुई थी, 56 वीक्स चली थी शीला सिनेमा में, पहाड़गंज दिल्ली में, दिल्ली में, और उसको कोई क्रेडिट मिला ही नहीं, और 92 तक कुंदन शाह ने फिल्म नहीं बनाई। जो कॉर्पोरेट हाउसेस चलाते हैं, क्या ये कहना सही होगा कि येट दे हैव नॉट लर्न द रोप्स ऑफ द फिल्म? दे डोंट नो एबीसीडी ऑफ फिल्म मेकिंग। यू थिंक दे डोंट नो एबीसीडी? नो, एबीसीडी डोंट नो।
टाई पहन के आ गए हैं और वो लेक्चर देते हैं सिनेमा के बारे में जिनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं और लोगों को बट कितना समय चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सीखने के लिए बिकॉज मुझे लगता है कि मैं यहाँ फॉर द लास्ट 13-14 इयर्स मैं आपको एक बात कहूँ सिनेमा सीखने के लिए मैं खुद पर्सनली 40 साल से इस लाइन में हूँ मेरे वैसे मेरा एक्सपीरियंस आई वुड से 60 इयर्स बिकॉज इस लाइन में मेरा जन्म हुआ था मेरे फादर 1928 में आए थे जब साइलेंट एरा था करेक्ट तो एज अ फैमिली बिजनेस आउट ऑफ 100 इयर्स इंडियन सिनेमा 84 इयर्स आपकी फैमिली है नाना भाई भट्ट साहब की फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट एरा टू साइलेंट टू टॉकी टू कलर टू डॉल्बी टू 3D फिल्म वी हैव मेड करेक्ट सो वी हैव सीन द कंप्लीट ट्रांजिशन एंड हैविंग सेड दैट लोग मेरे को पूछते हैं कि ना मुकेश जी आप मुझे बताइए आप आपने इतनी सारी कंसिस्टेंटली हिट दी है विदाउट सो कॉल्ड स्टार्स व्हाट इज द मंत्र एंड आई वॉज हम्बल इन टू से दैट आई डोंट नो एक और चीज थोड़ी जैसे जैसे ऑडियंस थोड़ी सी सेगमेंट हो रही है तो अलग अलग देयर इज नो जेनरिक थिंग लाइक अ मास एक फिल्म होती है 3 इडियट जैसी जो या आशिकी जो सबको पसंद आती है अक्रॉस द बोर्ड लेकिन अब ऑडियंस थोड़ी सी सेगमेंट हो गई अपनी एक ऑडियंस भी तो है ना तो आज आप गिवन अ सर्टन बजट आई मीन देयर इज एन ओल्ड मैक्सिम व्हिच सेज कि कोई देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्लॉप फिल्म देयर इज अ फ्लॉप बजट लॉट ऑफ पीपल से तो अगर आप एक बजट के दायरे में रहें तो आज मुमकिन है अलग अलग तरीके अलग फिल्में बनाना और वो भी और कॉर्पोरेट भी मतलब यू नो देयर इज ऑलवेज दिस बैटल बिटवीन द सूट्स एंड द प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूसर का काम है यू कैन नॉट रिप्लेस अ गुड प्रोड्यूसर रिप्लेस आई ऑलवेज से द प्रोड्यूसर इज अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ ग्रेस वो आपकी लिए आपके ख्वाब पे फिल्म बनाता है करेक्ट आपके ख्वाब के लिए जो दूसरा कोई करे तो इससे अच्छा आदमी कौन है वो तो बहुत इट्स अ मच मलाइंड वर्ड प्रोड्यूसर बट प्रोड्यूसर इज एक्चुअली गुड प्रोड्यूसर इज अ ग्रेट इंडिविजुअल इज अ फादर ऑफ द प्रोजेक्ट मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं अगर कोई से किसी ने मुझे कहा पूछा कि व्हाट इज इट अच्छा द प्रोड्यूसर इज अ फादर टू द फिल्म द डायरेक्टर इज द मदर और फिल्म जो होता है वो बच्चा होता है फिल्म इज इनकम्प्लीट विद अ गुड फादर और अ गुड मदर लेकिन मां कभी इंपल्सिव हो जाती है वो लाड़ प्यार में बच्चे को खराब कर सकती है बाप वाक कंट्रोल करता है लेकिन अभी क्या बहुत सारे बापों के मां भी दिए गए अभी क्या है अभी नहीं बाप नहीं बहुत सारे बाप हो गए और इसलिए बहुत सारा पैसा हो गया बिकॉज फादर प्रोवाइड्स मनी तो इज टू मच मनी स्पॉइलिंग द फिल्म इंडस्ट्री कॉर्पोरेट सेक्टर ने हमको कुछ फायदे जैसे सुधीर भाई ने एक बात सही की एग्जीबिशन सेक्टर वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ जिसकी वजह से छोटे छोटे शहरों में प्लेक्सेस आ गए वो मिडिल क्लास फैमिली जो पिक्चर हॉल में नहीं जाती थी वो अब जाने लग जा रहे हैं उसका ही एक कारण है कि रीजनल सिनेमा की ग्रोथ हुई और अब जैसे नॉर्थ या छोटे शहरों की कहानियां कही जा रही है अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ने किया क्या उन्होंने स्टार सिस्टम को और बढ़ावा दिया है करेक्ट मुझे अच्छी तरह से एक तारीख थी जब मैं गया था और एक बड़े स्टार है जो कि बहुत अच्छे एक्टर नहीं है उनको अनाप शनाप पैसा आज से 7-8 साल पहले की बात है मैं देख के गिर गया सुन के और उन्होंने स्टार सिस्टम को बढ़ावा दिया विजनरी कॉर्पोरेट कोई नहीं आया कोई नहीं आया एग्जैक्टली अगर आया होता तो सर हमने लास्ट क्लासिक फिल्म शोले बनाई है 1975 में उसके बाद आज तक हमने कोई क्लासिक पिक्चर ही नहीं बनाई क्लासिक मतलब जिसको आप बार बार देखते हैं जब भी मौका मिले जहां से भी शुरू हो जाए आप देखें और आपको हर बार कुछ चीज उसमें से नहीं मिले मैं शोले आज भी देखता हूं तो अरे यार कोई चीज ना कोई मिसिंग होती है इस बार पता चलती इस बार पता चलती हाँ। तो हमने 1975 के बाद इन कॉर्पोरेट्स आगे बहुत बड़े बड़े विदेश के भी आए यहां के भी आए इतने अगर समझदार थे इतने इनको विजन थी तो हमने कोई अच्छी क्लासिक क्यों नहीं बनाई इन्होंने तो मधुर जी आपसे जानना चाहूंगा प्रॉब्लम वेयर डज द प्रॉब्लम एक्चुअली लाई आई थिंक जैसे मुकेश भट्ट साहब ने सही कहा कि कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल जैसे हम डायरेक्टर्स है एक वो साथगांठ होनी चाहिए दे शुड अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी ऑफ इट एंड right project but do they have the time to understand I don't think anybody is inclined they don't have a face no accountability exactly the problem is not only with excess money the problem is of accountability you know I dekhiye jaise ye bol ke achhi baat keh rahe the ki bhai ek distributor hota tha हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते थे उसको पिक्चर देते थे Correct. अभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोई फेस ही नहीं है You don't know. आजकल हमारे जमाने में हम पिक्चर देते थे अगर भगवान का कोई पिक्चर नहीं चलती थी तो डिस्ट्रीब्यूटर आते बोलते कि हम खड़े हैं मैं बहुत सिंपल शब्दों में आप लोग तो खुद समझदार हैं हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत सिंपल शब्दों में कहूं पहले के जमाने में एक प्रोजेक्ट बनता था स्टोरी होती थी स्क्रिप्ट होती थी बुरे प्रोजेक्ट्स भी बनते थे बट जनरली स्पीकिंग एंड देन फिर स्टार साइन होते थे एंड द फाइनेंसियर और द प्रोड्यूसर यूज टू
बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इसके चलने के चांस क्या है, आजकल क्या हो गया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेज में जो लोग हैं डिसीजन मेकर्स, उन्हें फिल्म में कैसे चलती है, क्यों चलती है नहीं पता, इसलिए वॉट डू दे डू, दे अडॉप्ट द शॉर्टकट. स्टार है, स्टार हैज एग्रीड. अच्छा, स्टार हैज एग्रीड ना, ओके, देन वी डोंट माइंड फंडिंग इट, बिकॉज उनका यह सोचना कि अगर स्टार ने हाँ बोला है तो स्टार ने कहानी सुनी होगी, एटलीस्ट मेरे सर से वो बर्डन गया, एंड द स्टार थिंग्स कि अगर फंडिंग मिल रही है दैट मीन्स फंड रेडी है, यानी देट मस्ट बी समथिंग इन द प्रोजेक्ट, सो आई विल से यस. सो इट्स द स्टार थिंग्स द फाइनेंसियर और द कॉर्पोरेट हाउस हैज हर्ड द स्क्रिप्ट एंड ओकेड इट, एंड द कॉर्पोरेट हाउस कन्वीनियंटली थिंग्स के स्टार ने कहानी सुनी है इसलिए अच्छी होगी, एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, एंड स्टार को तो पैसा कमाना ही है हर फिल्म से. इट इज द प्रोड्यूसर हु विल आइदर लूज और मेक मनी. स्टार को तो अपनी फीस से मतलब है. कुमार, एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊं आपको. एक मेरे नाम ले लूंगा, एक हमारे दोस्त थे डायरेक्टर, वो भी मेरे कलीग, वो उन्होंने कॉर्पोरेट को एक सब्जेक्ट नरेट किया, उन्होंने बोला ये अच्छा सब्जेक्ट, तो उनको सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बोला कॉर्पोरेट हाउस को, कॉर्पोरेट हाउस को नरेट किया, पांच छह जन मिलके उन्होंने नरेट किया, तो बोला ये तो बहुत ही मजा नहीं है, वो ड्राई फिल्म है, बहुत ही ब्लीक फिल्म है, इसमें मजा नहीं आएगा, कमर्शियल नहीं है. तीन वीक के बाद वो फिर बंदा उस कॉर्पोरेट्स के बाद बोला कि वो फलाना एक्टर ने उसी सब्जेक्ट को हां बोला है, तो वही लोग बोले अगर वो है तो ठीक है, वी आर रेडी टू, जो मैंने बोला वही सही वही है, बोला वी आर रेडी टू. मैंने उससे पहले वो स्क्रिप्ट बहुत बेकार थी, ब्लीक थी, डार्क था, जैसे उसने बोला वो स्टार हैज शोन कीन इंटरेस्ट टू डू दैट फिल्म, व्हिच इज व्हाट आई इमीडिएटली उन्होंने बोला यार देन वी आर गिवन, सो दैट मींस देयर, तो सडनली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो गई, सडनली वो स्क्रिप्ट अच्छी हो गई. मतलब वो, लेकिन ये हमेशा ये पहले भी ऐसा ही होता, ऐसा होता ना, जब मतलब कोई बड़ा स्टार हां कह देता था तो पिक्चर ग्रीन लाइट हो जाती है. अगेन आई विल रिपीट, पहले होता था तो दैट पर्सन हु वाज फंडिंग द प्रोजेक्ट वाज रिस्पॉन्सिबल. अगर मैंने सोच ही लिया है कि मुझे नुकसान करना है, गॉड ऑल्सो कांट से, इंडिविजुअल होता था. यस, नाउ इट इज पब्लिक मनी, सो यू कांट बी सो इजी विद द पब्लिक मनी, मेरा ये कहना है, बिकॉज यू आर नॉट आंसरेबल टू योर शेयर होल्डर. वो दर्द महसूस ही नहीं करता, क्योंकि अगर फ्लॉप हुई तो उसको फर्क पड़ता ही नहीं, फ्लॉप होने फर्क पड़ता ही नहीं, सो दैट अकाउंटेबिलिटी चली गई है. यस, अगर एक फ्लॉप होती थी हमारे यहाँ तो हमको, हम रात को देखेंगे हमारी नींद उड़ जाती, मातम हो जाता था, हम लोग की नींद उड़ जाती थी, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते थे. आज तो एक फ्लॉप होती तो नेक्स्ट डे पड़ता है यार, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा. देर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देर इज नो kind of a feeling of depression at all. Agar picture aapki nahi, and the sad part is, Digmanshu ji, the dukh ki baat ye hai ki jab ye point out kiya jata hai to hamesha ek hi term use kiya jata hai, this is a transitional phase. But ye transitional phase 15 saalon tak kaise chal sakta hai? How can there be transition for 15 years? इस फिल्म इंडस्ट्री का जेस्टेशन पीरियड इतना बड़ा नहीं है कि 15 साल तक ट्रांजिशनल फेज चले. एम आई रॉन्ग? बिल्कुल, ये तो चलता रहेगा, यही है. तो फिर मतलब कोई सुधार नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता. नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मतलब देखिए, अच्छी फिल्म बनाना हमेशा मुश्किल काम रहा है ना. नहीं, हर दौर right. में right. हर दौर में of course. जो थोड़ा सा मुश्किल काम करेगा तो वो, और थोड़ा सा सोच समझ. पहले सलीम जावेद साहब कहते हैं कि आप बाउंड स्क्रिप्ट लेके जाते थे तो लोग हंसते थे. अब ये एक, जब उन्होंने बदला, आज रणबीर ने कितनी रिस्क ली तो सडनली टर्न, जहां पहुंचा वहां पहुंचा, जहां पहुंचा वहां पहुंचा. तो आई थिंक वो कहीं वापस, द क्रिएटिविटी हैज टू गो द हैंड्स ऑफ अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर. Will this happen? And वो होगा धीरे. कोशिश तो वही होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि नहीं, ये बोल के है, अगर जब वापस उसी के हाथ में जानी चाहिए, एंड द ट्रस्ट शुड गो टू दोज पीपल रादर देन अ, मतलब बिगर, रादर देन इफ यू साइन अ सो कॉल्ड बिग स्टार. सो समवेयर द प्रोसेसेस जो है उसके, वो थोड़े से इंप्रूव होने पड़ेंगे कि किस तरह से वो हो. भट्ट साहब का जो फॉर्मूला है, ये कोई, मैं नहीं कह रहा हूं, माफ करिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. करेक्ट, ये कोई भी अपना सकता है. इनका बिलीफ है. करेक्ट, ये जो साइंस है सबको मालूम है ना. हम फिगर्स आजकल सामने हैं, कौन एक्टर कितने पैसे लेता हम सबको मालूम है. तो ये विजन लेके कोई कॉर्पोरेट क्यों नहीं आया? क्योंकि नहीं, ओ सर, कॉर्पोरेट जब पिक्चर बनती है, मतलब कितने किकबैक्स होते हैं इसका अंदाजा नहीं होगा आपको. अच्छा, वो पैसे कहां जाते हैं, किसको जाते हैं, मतलब वो हम, मैं टीवी पे नहीं कह सकता आपसे. तो मतलब ये कहना सही होगा ना कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस फंडिंग हो रही है, एंड जो मेन मुद्दा होना चाहिए कि अच्छी फिल्म बन रही है, वो कहीं ना कहीं खो गया है. वो वैसे ही, अगर आपको पावर प्रोजेक्ट लगाना है तो फिर उस पावर प्रोजेक्ट लगाने के बाद दिल्ली से लेकर कौन कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पैसा खिलाना पड़ेगा, वही हो गया पिक्चर बनाना. बट वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यहां पर कॉर्पोरेट हाउसेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन गए. मतलब बिल्कुल
बट इज़न्ट दिस अ शेम किस मार्केटिंग टीम को जाना है कौन प्रोमो बनाएगा क्योंकि अभी ट्रेडिंग हो गई है हार्ली डेविडसन दे रखी है ऐसा बहुत सारी कहानियां हैं वो क्या कह रहे हैं वो क्या ट्रेडिंग हो रही है मैं सोच रहा हूं कॉर्पोरेट पार्ट 2 बना लूं मैं नहीं तो उसका टाइटल होना चाहिए फिल्म कॉर्पोरेट पार्ट 2 ऑन द फिल्म इंडस्ट्री सुधीर जी आप बहुत मधुर एक बात बताओ नहीं मुझे हमेशा लगता है जब तक वो लोग नहीं आएंगे उन कॉर्पोरेट्स में भी जहां जो पैशनेट हैं फिल्म में आज कई जगह ऐसा है कि कोई नहीं तो अभी साबुन भेज देंगे नहीं थी वो अगर माइंडसेट नहीं होगा सिनेमा इवेंचुअली फिल्म मेकिंग है तो आर्ट फॉर्म आर्ट फॉर्म आर्ट फॉर्म है एग्जैक्टली आर्ट कमर्शियल आर्ट फॉर्म है कुछ भी हो यस बट बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन आर्ट फॉर्म एग्जैक्टली आर्ट फॉर्म है कोई नाचता है कोई संगीत करता है कोई कहानी लिखता है कोई फोटोग्राफर सीता है ये है तो कला ही ना तो जब तक उसको पैशन वाले लोग नहीं होंगे वहां तो उनको उससे आप उम्मीद भी क्या करेंगे अब क्या हुआ है कि कला के इतने खरीदार हो गए और इतना पैसा फेंक रहे हैं बट समटाइम्स देखिए कभी कभी क्या होता है हर चीज में एक बुराई होती है एक अच्छा होती है और मैं कह रहा हूं आपसे कह रहा हूं कि कहीं 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 ना कहीं कभी कहीं किसी कॉर्पोरेट में एक पढ़ा लिखा आदमी है जो कई नए आइडियाज से भी ओपन है जिसकी वजह से एक अनुराग कश्यप की वसीपुर बन जाती है है ना तो अब वो भी तो होता है वही मैं बोला तो आप वो डिनाई नहीं कर सकते अनुराग कश्यप जैसा फिल्म मेकर जो है जो आज हमारे बीच भी बैठा नहीं है लेकिन उसको ही इज फंडेड बाय इन इंडिया नो आई एग्री विद माय कॉर्पोरेट हाउस एक जमाने में तो एनएफडीसी की चार फिल्मों के लिए हम लोग सब लड़ते रहते थे कि इसके पास जाएगी कि उसके पास जाएगी अनुराग कश्यप ने अपना एक नाम किया उसके नाम पे लोग पिक्चर देखने जाते हैं हाँ लेकिन किया अब लेकिन लेकिन उसके तबका है उसके जब धीरे धीरे आया ना वो बना ना कि देवडी दी उसको तभी तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि कम से कम ऐसा तो है तो आई एम सेइंग देयर इज लॉट ऑफ बैड नहीं नहीं गुड बैड तो है मैं बोला ना कई ऐसे न्यू कमर्स है जैसे बोला कई ऐसी फिल्में जो पहले बहुत ही कॉर्पोरेट शायद नहीं बना पाती थी वो तो गुड वो आने से वो है वो है उसका प्लस पॉइंट भी है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो प्लस पॉइंट भी है कि कई ऐसी फिल्में हैं जो कॉर्पोरेट्स ने बैक किए उनको लगा कि पिक्चर को अच्छा प्रोजेक्शन होना चाहिए उनको अच्छी रिलीज किए पब्लिसिटी अच्छी की उसको रिलीज अच्छी मिली है और कोने कोने तक पहुंची हो मगर आप एनसी सिप्पी साहब भी थे उन्होंने देखी कितनी वैरायटी ऑफ कमाल एनसी सिप्पी साहब वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स भी देख लीजिए एंड ऑल फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ऑल फर्स्ट टाइम और अगर अब मैं ये पूछूं कि ये जो प्लसेस भी है माइनसेस भी है एंड प्लसेस तो दिख ही रहे हैं माइनसेस बहुत ज्यादा उभर कर आ रहे हैं इसका करेक्टिव मेजर कोई है या टाइम इज द बेस्ट पहले एक कंधा होता था हाँ? उसके कंधे पे डायरेक्टर रो लेता था कि बहुत गड़बड़ होगी बजट बढ़ गया अच्छा ठीक कोई बात नहीं अब वो कंधे चले गए किससे कंधे भरोगे वो शक्ल वो चेहरा ही नहीं है कॉर्पोरेट हाउस का दो फेस तो देयर इज यू मीन टू से देयर इज नो करेक्टिव स्टेप्स दैट कैन बी टेकन करेक्टिव स्टेप नहीं होता क्या इसे इट्स इंडिविजुअल बिजनेस नो करेक्टिव आई मीन करेक्टिव आपको खुद अंदर अपने आप करना पड़ेगा अल्टीमेटली इट हैज टू गो बैक इंडिविजुअल हैज टू गो बैक टू द प्रोड्यूसर्स वी आर अ डिस्टिलरी ऑफ ह्यूमन इमोशंस इमोशन दिस बिजनेस इज अ डिस्टिलरी ऑफ ह्यूमन इमोशंस नॉट अ नट एंड बोल्ट इंडस्ट्री करेक्ट 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 और जब तक ये जज्बा नहीं होगा और ये इनमें है सही बात है खाली इसको बढ़ावा देना करेक्ट वी हैव टू ये कॉर्पोरेट्स आके इनको सब सब्ड्यू करिए ये पैशन 100% मधुर में है मुझे पता है करेक्ट हिमंजू में है इसमें तो है भाई मुझको आई नो 30 years करेक्ट दिस हैज टू बी फैंड मोर करेक्ट आग बनाना है शोला बनाना है बजा के दबाने के हाँ क्योंकि फिल्में इनसे बननी है कॉर्पोरेट से नहीं बननी करेक्ट अ गुड फिल्म इमर्जेस फ्रॉम अ ह्यूमन हार्ट Not from human heart. Not so from a corporate. Money doesn't make it. Yeah, all. Yeah, yeah. Money doesn't make it. Absolutely. It doesn't make it. You require one man जिसके पास देखो जरूरत होना चाहिए शौक होना चाहिए और भूख होना चाहिए भूख होना चाहिए अगर अच्छी फिल्म बनानी ये तीन कॉम्बिनेशन है करेक्ट जरूरत फिल्म बनाने की जरूरत होती है करेक्ट शौक होता है और भूख होती है जब तक ये तीन नहीं हो तो नहीं बन सकती फिल्म और फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो तो वो भूख तो मरी जाती है ना उनके पास शौक है ना जरूरत है ना भूख है तो कैसी अच्छी फिल्म बनेगी फिर तो फोटो सेट बनेगा ना इनसे बनेगी कि इनके अंदर है वो तो वी हैव टू गिव बढ़ावा टू दैट कॉर्पोरेट में ऐसा आदमी होना चाहिए ऐसा एग्जीक्यूटिव होना चाहिए जो इस बात को समझे ट्रू और ऐसे लोग को ढूंढे करेक्ट बिकॉज देयर आर सो मेनी एग्जैक्टली सो मेनी अनकट डायमंड्स देयर आर सो मेनी थिंग्स मैच जूलियाज एंड मधु बट गिव देम द प्लेटफॉर्म बिल्कुल बिल्कुल यू हैव इट इन यू प्लीज कम प्लीज कम वी आर रेडी टू बैक योर दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इन विशेष फिल्म्स बिल्कुल अगर आपके अंदर है प्लीज कम वी विल गिव यू द प्लेटफॉर्म वी आर कॉन्स्टेंटली इन लुक फॉर
for a young Mahesh Bhatt somewhere. You have to have the talent to spot talent. Yes. That's so we need more talented people rather than money. What we need is more talented people to understand. The art rather than the commerce of the paisa kahin se aaye. Paisa kahin se aaye. Nahi, agar achhi film ho, achha budget mein banti, jaise main kaha ki it is not the script, it is the budget ke saath jo banate ho. Correct. If that goes well, nothing like it. Then aap at least you break even kar sakte ho. Aur upar se kya Hindustani film industry, again Mukesh will know better, the government has made money on every film. 90% producers have lost their shirts. Correct. So producer ke liye to sabse dardnak jagah thi. Exactly. Hamesha. Abhi, if you look at it from producer's point of view, it's slightly better. Correct. You know, he's a little more secure now. Little more secured. Nahi to kya hota, he always had his neck on the line. Hamesha hundi sign ki hoti thi. Correct. Ghar girvi hota tha. Char aat successful stories hain ki ghar निकल गया, बाकी तो, बाकी तो सब सबके घर बार बिक जाते थे, घर बार बिक जाते थे. Exactly. तो आज उतना नहीं है. तो आज आप, लेकिन फिर भी जरूरत उसी प्रोड्यूसर की है जो अपना गिरवी रखता था घर. आज रखना नहीं पड़े, लेकिन उसका पैशन, उसका पैशन वही होना चाहिए, वही बना सकता है फिल्म, बिकॉज वी ऑल जज्बा जो है. बाकी पैसा आज अच्छा है, सहूलियत ज्यादा है, रिस्क का थोड़ा और रिस्क. या या इफ देयर इज गुड मनी एंड सो मच मनी, एंड आई थिंक द कॉर्पोरेट शुड अंडरस्टैंड दैट जज्बा, उसको वो समझना पड़ेगा वहां से. वो नहीं हो पाएगा कभी. सुधीर जी एंड मधुर आर कॉन्फिडेंट के हो पाएगा, हो रहा है. वो सुबह कभी तो आएगी, कभी तो सुबह कभी तो आएगी. और इस रात की सुबह नहीं, फिल्में बनेंगी, फिल्में बनेंगी, फिल्म मेकर्स फिल्म बनाएंगे. हम तो अपनी फिल्म बनाएंगे. फिल्म या 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 एंड इफ योर नंबर इंक्रीजेस आई थिंक द कॉर्पोरेट्स आर बाउंड टू चेंज. नहीं नहीं, बट नंबर ऑफ सच पीपल और ऑडियंस चेंज हो रही है. देखिए ऑडियंस जो है वो डिमांड कर रही है दूसरी तरह की कहानियां. इफ द गवर्नमेंट नीड्स टू हेल्प समबडी, दे नीड टू हेल्प एग्जिबिटर्स बिल्ड थिएटर्स इकोनॉमिकली, एंड उनकी पैंट शर्ट ना जाए, वो थिएटर चला सके. बिकॉज एक बार थिएटर होगा दिखाने के रिवर्स डायरेक्शन चलेगी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जीबिशन की है. हमारे मुल्क में 12,000 थिएटर हैं, जिसमें से 5,000 थिएटर डेडिकेटेड टू साउथ है, ओनली साउथ इंडियन फिल्म. सो 7,000 थिएटर में आप हिंदी फिल्म, भोजपुरी फिल्म, हॉलीवुड फिल्म्स, पंजाबी फिल्म जो डब होती है 15 लैंग्वेजेस में, बंगाली फिल्म, गुजराती फिल्म, मराठी फिल्म, जो हर स्टेट में 7,000 थिएटर्स. अब क्या करोगे, थिएटर्स नहीं है. करेक्ट. मैं अभी फिलहाल, अभी 4 दिन पहले चाइनीज डेलीगेशन आया था. मैं फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने उनके साथ मीटिंग की. तो वो मुझे, हमसे पूछने लगे कि आपका एग्जीबिशन सेक्टर कैसा है, क्या है, आपको गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिलता है. तो हम हंस मैंने मुस्कुरा के कहा कि गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है. तो वो इतने ताजुब करने लगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है. ऐसे नहीं, फिर तो हमको वी वॉन्ट टू नो मोर, क्योंकि हाउ डू यू सर्वाइव, आपका बिजनेस मॉडल विदाउट सपोर्ट आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हो बॉलीवुड में. Exactly. तो वो हमको मॉडल चाहिए. आप सोचिए एक तेलुगु, मैंने सुना बहुत अच्छी बात है, विच ऑल डोंट नो, आई मस्ट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन. तो मैंने कहा कि आपके यहाँ कितने थिएटर है. बोले हमारे अभी कुछ 45,000 to 50,000 थिएटर खुल गए चाइना में. और आपके जो, आपके यहाँ जो एंटरटेनमेंट टैक्स हमारे यहाँ कभी 45% है, फिर 70% यूपी में, आपके यहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स कुछ है कितना है. तो उन्हें क्या कहा पता है, 5% टैक्स. और यहाँ महाराष्ट्र में, विच इज द नर्व सेंटर ऑफ बॉलीवुड, 45% इज द एंटरटेनमेंट टैक्स. वो छोड़िए, जो 5% जो कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, वो 5% एक पूल में जाता है. और वो इंडस्ट्री को ही, वो इंडस्ट्री में ही जाता है. ऐसा नहीं कि वो पैसा लेके वो इरिगेशन में डाल दिया या किधर और डाल दिया. सो दैट मींस वी आर बेसिकली पेइंग द एंटरटेनमेंट टैक्स टू गेट इट आवरसेल्फ. प्रिसाइसली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि उनका टारगेट है, क्योंकि 1.3 बिलियन पीपल है, तो उनको टारगेट है कि 3 साल में 1,00,000 थिएटर होने चाहिए. ये सोच वहां की गवर्नमेंट की है, और हमारी गवर्नमेंट अप्लाई एक बार अप्लाई, जब एक बार जब हमारे यहाँ 25,000 भी थिएटर बन जाए, तो उस पर कोई एक रोक होनी चाहिए कि कोई बड़े लोग सिर्फ 25,000 ना ले जाए, बल्कि पूरे वो भी एक रोक सबको ज्यादा होंगे. तो बच्चे ये समझ में आता कि गवर्नमेंट कितनी अंधी क्यों है. मैंने उनको कहा कि भाई ये अगर आप ज्यादा थिएटर खोलोगे तो उसका रेवेन्यू आपको मिलेगा. आपको रेवेन्यू मिलेगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स आपको ही जाएगा. 90% आपका वीसीडी पायरेसी में चली जाती है. सो यू शुड बी एक्टिंग फास्टर. एक्चुअली आप सोचिए यूपी जैसे स्टेट में कितना कैसा हो सकता है. एक आंध्र प्रदेश पूरी तेलुगु इंडस्ट्री को संभालता है. करेक्ट.
And Tamil industry, you see the Punjab mein nahi hai, Rajasthan mein nahi hai. Anyway, I think this is a topic for another discussion. But thank you so much for being with us. It was a pleasure. Madhur, aap apni do filmon ke saath do film announce karne ko hai. Usme us busy schedule mein aap aaye. Thank you. Tigmanshu ji, aapki Bullet Raja ki final touches chal rahi hai. उसमें से आपने समय निकालकर आप यहां पर आए. थैंक यू वेरी मच. सुधीर जी, आपकी भी नई फिल्म शुरू होने को है. यू फाउंड आउट टाइम एंड केम हियर. थैंक यू सो मच. एंड मुकेश जी, आप नोट गिनते गिनते यहां आए. आशिकी टू के प्रॉफिट्स गिनते गिनते मैंने कहा कार में आप लेकर आइए, हम थोड़ा हेल्प कर देंगे. बोला नहीं नहीं, हम ऑफिस से गिनते. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, ये थे, दिस वॉज द डिस्कशन ऑन फाइनेंस, वेदर फाइनेंस इज करप्टिंग द फिल्म इंडस्ट्री और नॉट. एंड नतीजा यही निकला है कि यस, टू मच ऑफ फाइनेंस इज बैड. एक तरीके से तो अच्छा है, बिकॉज अलग अलग किस्म की फिल्में बन रही है, लेकिन क्योंकि इतना इजीली अवेलेबल है फाइनेंस, एंड बिकॉज कॉर्पोरेट्स, अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स लैक दोज पीपल विद द पैशन टू मेक गुड सिनेमा. अगर वो हो जाए तो दिस इंडस्ट्री विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. गाइज, विल लीव यू विद दैट. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahata, bidding you goodbye.